खबर की जहां से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक दारोगा ने रिश्वत में 3 किलो आलू मांगे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दारोगा ने रिश्वत में 3 किलो आलू मांगे हैं और 3 किलो आलू के चक्कर में अब ये दारोगा निलंबित हो गया है। तो चौकी इंचार्ज का आलू की रिश्वत मांगते ऑडियो भी वायरल हुआ है। एसपी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर सीओ सिटी को जांच सौंप दी है। हेलो हेलो, हम 2 किलो आलू साफ करे, ज्यादा है नहीं भाई थी, ठीक है बिल्कुल मरे भाई हूँ बैठे है। 2 किलो आलू करे दे रहे, ठीक है। चलो तुम 2 किलो नहीं, तुम 1 किलो मत करना, ठीक है। जाके तुम अपनी वहाँ जमानत करा लेना, ठीक है। क्या करोगे जब ऐसे ही, जो तुम लोग को वो करना है तो क्या मतलब है? जब करना नहीं, जब तुमको हर चीज मैं बता चुका, फिर इसके बाद भी तुम वो कर रहे हो, है क्यों? साहब ही नहीं बैठू, परेशान है बहुत, काम नहीं चल रहे, 1 रुपया हो जाता, एक गाड़ी खींच के चली गई है, इतने परेशान है। कौन खींच के चली गई गाड़ी? छोटा आती है, फाइनेंस वाले खींच ले गए, इतने परेशान है। इस टाइम किस्त नहीं निकल रही गाड़ी। चल चल 3 कर देना, चल दो से बात करा, बात करा उसे। हेलो जा रहे हैं, घर गए लिखवाए। माता जी से तुम्हारा लिखा जा रहा है? माता जी को देखा जाए, घर हुए तब तो माता जी को कहीं ना हो काम पर कहीं। अच्छा, पूछ लो फोन से ना कि घर पे है कि नहीं। मैं फोन नहीं रखती ना घर पे, हम जा रहे घर पे, हम तो देख रहे। तुम्हारी पत्नी तो होगी घर पे? हाँ, तो उससे पूछ लो ना कि है कि नहीं माता जी। चलो हम पूछ रहे, पूछ लो, पूछ के अपना करके। और सुनो, उसमें ये शब्द जरूर लिखवा देना कि अब कोई पुलिस कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमारे हम बच्चे को समझा दिया, मेरा बच्चा गया है बाहर प्राइवेट जॉब करता है। अब तुम जो कर लो, हम पर दो हैं, फिर बाद में आगे पीछे देख लिए, ठीक है। 2 किलो आलू भरे हैं, कर रहे दे रहे, आगे पीछे देखें, अपनी बात है, ठीक है। चलो चलो, ये देखो सुनो, ये चीज जरूर लिखवा देना, ठीक है उसमें, ठीक। वो चीज हम लिखवा देंगे, ठीक सर, ठीक। थाना सोहरिक में चौकी चकुन्ना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम कृपाल सिंह का एक ऑडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा सरकारी कार्य के एवज में पब्लिक के किसी व्यक्ति से उत्कोच की मांग की जा रही थी, जो कोडवर्ड में की जा रही थी। उसमें प्राथमिक रिपोर्ट सीओ छिब्रमो के द्वारा दी गई थी, जिस पर दिनांक 7 अगस्त को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय के द्वारा उनको निलंबित किया गया है, और जिसकी विभागीय कार्रवाई प्रचलित।